बताइए फ्रेंड्स कैसी लग रही है कैसी लगती दीदी। दो दी, लग <laughs> दो, <ला> दी <laughs> दो, मारा। दो पैसे पैसे? मैं तो तो बता तो मैं ले। से <laughs> <नीकार फैंगी> ले। <laughs> लेनी पहले शुरू तो कर दींस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब आप सब भी ठीक होंगे और अभी मैंने वीडियो शुरू कर ली है अपनी दीदी जा रही हैं घर और इधर कपड़े रखे हुए हैं नए कपड़े मैंने अंतिम दीदी के धोके ई में फैला दिए हैं और मशीन में पड़े हुए थे और कुछ खटोले पे रखे हुए हैं वो सारे धुले और अभी दीदी जा रही हैं तैयार हो के नीचे जा चुकी हैं और अब ये भी चली जाएँगी तो अब तो ये शादी के नज़दीक ही आएँगी छोड़ने के लिए जा रहे हैं भाई साहब और ये फिर उधर से ही दिल्ली को निकल जाएंगे इनको छोड़ के क्योंकि इनका जो ससुराल है वो खतौली के पास में पड़ता है और ये फिर खतौली को निकल के चले जाएंगे तो ये भी जा रही हैं हम भी अपना काम कर लेते हैं फटाफट से बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और उनके उनके जाने के बाद ही मैं झाड़ू नहीं लगाने लगी थी क्योंकि जब कोई घर से जाता है उनके तुरंत जाने के बाद ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए अभी मैं बीच में और भी काम करके आई हूँ कपड़े निकाल के आई हूँ मशीन में और ड्राई करने के लिए डाल के तब आई हूँ नीचे और अभी यहाँ पे झाड़ू लगानी है पूरे ही उसमें लग गई है वैसे तो इधर तो बस ये रह रहा है थोड़ा सा मशीन के पास में यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा रहता है कुट्टी काटते हैं तो पत्ती वगैरह सब फैल जाती हैं पापा जी घास कर रहे हैं पशुओं को सुबह का और अभी ये दोपहर तक खा लेंगे इसको और फिर इनके नीचे धोना भी रहता है रोज़ और नहलाना भी पड़ता है अब तो वैसे गर्मी होने लगी है पशुओं को रोज ही नहला देते हैं हम वैसे दूसरे तीसरे दिन नहलाते हैं अभी रोज़ भी नहीं नहलाते तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया था लेट ही करते हैं नाश्ता लेट ही बनाते हैं हो ही जा मोनी का झाड़ू लगा रही है बाहर और झाड़ू लगाने के बाद नहा के पूजा कर लेगी वो भी फिर बाद में मैं भी कर लूंगी पूजा भी तो मम्मी लगी हुई है पूजा की तैयारी करने में कान्हा जी को स्नान करा के आई है मम्मी और अभी दिया और प्लेट को धो रही है और पापा जी बैठे हुए हैं मैं उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही हूँ बाकी अपने लिए तो बाद में बना लूँगी अभी पापा जी को ये दे के आना है बस और ये मिस्सी मिस्ते आटे की रोटी होती है तो ये गरम गरम ही खाई जाती है जब भी कोई खाता है तभी तो बना लेते हैं हम तब तक आटा ऐसे ही रखा रहता है ढक के रख देती हूँ इसको अभी बस पापा जी खाएंगे तो उन्हीं के लिए बना के दे के आ जाऊँगी उसके बाद मैं अभी नहा लूँगी मम्मी और हम सब एक साथ में पूजा कर लेंगे बाद में जब हम नाश्ता करेंगे तब बन जाएगी गर्म गर्म सुबह नाश्ते में मिसे आटे की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में करकरारी बना ले तो बस मज़ा ही आ जाता है खाने का तो अभी मैं ऐसे पानी के हाथ की बना रही हूँ पानी के हाथ की भी नहीं घी लगा के थोड़ा सा और उसके बाद मैं इनको बेल लेती हूँ थोड़ी सी चिकनाई लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं चकले से बढ़ जाती हैं और फिर जो थोड़ी बहुत रहती है उसको मैं हाथ से बढ़ा देती हूँ तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि मुश्किल बनती है बहुत ही आराम से बन जाती है वैसे पानी के हाथ की बनती है पर मैं थोड़ी सी चिकनाई लगा के बेलती हूँ इनको और अभी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं अब तो एक महीने से हमारे यहाँ मिस्सी रोटी बन रही है तो अब तो आदत हो गई है मुझे सब भी कर लीजिए नाश्ता सुबह का और टेस्टी टेस्टी अभी मैंने ये मम्मी के लिए बनाई है मम्मी को करकराई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है अभी मैं आ गई थी छत पे क्योंकि अनाज फैलाना था ये धूप आ गई है तो इसको फैला देते हैं और अभी हमने जिस दिन से अनाज डाला है ना दो दिन हो गए इसको तब से बंदर नहीं आए उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ पे अनाज है अगर उन्हें पता चल जाता तो अब तक तो ये सारे गेहूँ बिखरे हुए मिलते पर उन्हें पता नहीं क्यों नहीं पता चला अब तक वो ऊपर आए नहीं है शायद उस दिन से तो अभी मैंने एक तरफ के तो फैला दिए हैं इधर भी फैला देती हूँ ये दो तीन दिन में सूखेंगे वैसे तो सूखे सूखे से हो रहे हैं पर एक दिन की धूप एक्स्ट्रा लगा लेंगे ताकि फिर इनको पीसने में कोई दिक्कत ना हो और ये अच्छे से हो जाए धूप में अभी तो वैसे हमने थोड़े ही धुले हैं ये पिस जाएंगे उसके बाद फिर जो शादी के लिए हलवाई ने बताए हुए हैं वो भी धो के फैलाने हैं गेहूँ अभी तो ये हमने अपने लिए किए हैं गेहूँ छत पे डालने के बाद भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ना ही कबूतर आते कोई भी पक्षी नहीं आता ऊपर छत पे बस बंदरों का डर रहता है पर बंदरों को भी अभी तक पता नहीं चला तो वो भी नहीं आए हमने जैसे डाले थे ऐसे कैसे हैं है, गेहूँ हमारे जरा से भी नहीं बिखरे कहीं भी और फिर कोई टेंशन भी नहीं रहती नहीं तो बार बार देखने आना पड़ता इन्हें या फिर यहीं पर बैठना पड़ता इनके उसमें अगर यहाँ पर पक्षी आते या बंदर आ जाते तो फिर तो हमें यहीं पर बैठना पड़ता एक सदस्य को यहाँ पहरेदारी पे लगना पड़ता और बाकी का काम हमारा फिर ऐसे ही रहता तो चलिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है अभी मैंने इनको फैला दिया है धूप लग जाएगी काफ़ी अच्छे से फैले हुए हैं कल एक तरफ ज़्यादा हो रहे थे एक तरफ कम तो फिर हमने इधर दूसरी साइड में डाल दिया इनको जहाँ पे ज़्यादा जगह थी तो अभी गेहूँ फैलाने के बाद चलते हैं नीचे दोपहर का तो काम करना ही है अभी सुबह का तो सारा हो गया अभी दोपहर की फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी ये वीडियो है तीन बजे की तीन बजे का घास होता है पशुओं का वही कर रही हूँ मम्मी पापा जी गए हुए हैं मार्केट आज फिर शॉपिंग के लिए अब तो रोज़ ऐसे ही शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है शादी तक तो ऐसा ही रहने वाला है तो अभी मैंने सोचा इनको घास कर देते हैं उसके बाद मैं अभी नहा लूँगी घास करने के बाद टोटल काम जो है वो सारा मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बस नहाना ही है और बाकी कुछ नहीं रहेगा और देखिए कितना हरा हरा चारा है आज क्योंकि इसमें जई मिली हुई है बहुत सारी आज तो ऐसा लग रहा है कि खाली जई जई है पूरा हरा हरा चारा है और पशु भी देख के खुश हो जाएंगे गायें एकदम डालते ही खाने पे लग गई है और इधर इधर हमारे छोटे छोटे से कटिया और बछिया है इनको भी डाल दिया है ये भी लग गई खाने पर और अभी मुझे सानी भी करनी है खल तो भीगी हुई रखी हुई है उसकी सानी कर दूंगी गाय भैंस को और इनको चुप लगा दूंगी थोड़ा सा वैसे चौका लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है कितना हरा चारा है ये तो ऐसे ही खा लेंगी घास तो सबको डाल लिया मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं अभी थोड़ी बहुत देर खा लेंगे उसके बाद ही करूँगी सन्नी तब तक गोबर हटा देती हूँ गोबर कर रखा है इन्होंने फिर नहीं तो ये पूरे फर्श पे फैला देते हैं तो पहले झाड़ू से मैं इसको हटा देती हूँ सीख झाड़ू है छोटी सी और फावला इस पर चढ़ा के सारा गोबर मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँगी और इससे फिर यहाँ पर गंदा भी नहीं होगा बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं इस बात को लेके कि आप बहुत काम करते हो तो देखिए काम करने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और मेरा मन लगता है काम करने में क्योंकि काम करने में एक्सरसाइज हो जाती है फिर शरीर भी फिट रहता है अगर हम काम करना छोड़ दें तो फिर तो मैं और भी डबल मोटी हो जाऊँगी तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती चाहे कितना भी काम करा लो और अगर एक बार मुझे आलकस आ जाए फिर बहुत देर तक आलकश ही रहता है जब तक लगी रहती हूँ काम में तो कितना भी कर लो और एक बार बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता तो अभी तो मैं लगी हुई हूँ नहा धो के थोड़ी देर बैठूँगी पाँच दस मिनट के लिए फिर तब तक शाम का टाइम हो जाएगा तो अभी चलिए ऊपर चलेंगे घास पानी करके इनको काम करने से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती बस मुझे रात को एक ही टेंशन रहती है रात को हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है पूरी रात मुझे नींद नहीं आती हाथों का क्या करूँ दवाई भी खा रही हूँ पर आराम नहीं लग रहा बस यही टेंशन रहती है बाकी मुझे और कोई ऐसी टेंशन नहीं है तो चलिए अभी नहा धोकर मिलते हैं आप सबसे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लोग में आप सभी का स्वागत है तो अभी नहा धो के बैठी थी सोचा सबसे बात कर लूं और इधर सूर्य सूर्य की किरणें आ रही है देखिए धूप आ रही थी मैंने सोचा थोड़ी सी धूप ही ले लेते हैं सर्दी सी लग रही थी सिर धो के और अभी मैंने वीडियो अपना शुरू कर रखा है पहले से ही मैंने सोचा अभी बात कर लेते हैं आप सब से तो मेरा काम अभी अभी ख़त्म हुआ था थोड़ी देर पहले ही उसके बाद मैंने चाय पी और बाल बाल बाहे अपने और अभी आप सबसे बात कर रही हूँ हाय गाइस कैसे हो आप सब आप सब भी ठीक ठाक होंगे मुझे लग रही थी सर्दी तो मैंने अपनी कार्डिगन पहन लिया और अभी मैंने सोचा वीडियो का एंड कर लेती हूँ नहीं तो भूल जाऊँगी कल भी नहीं हो पाया था और फिर मैं भूल जाती हूँ और आलकास सा जाता है फिर तो आप सब से बात नहीं हो पाती और ना ही एंड हो पाता तो मैंने सोचा पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ उसके बाद ही करूँगी और कुछ जो भी कुछ करना है काम और आप सब बहुत फ़िक्र करते हैं बहुत वो करते हैं हमारी थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा फिक्र फैमिली कर सकती है जैसे आप हमारी इतनी फिक्र करते हो मेरी और आप सब पूछते भी रहते हो कि आप जेठाने के बारे में कुछ छिपा रही हो जेठाने लड़के गई है या फिर कुछ और बात है तो कुछ बात नहीं है और जेठाने भी आ चुकी है वो आपको बहुत जल्द वीडियो में दिखाई देंगी तो आप सब ऐसा मत सोचिए और हमारे जॉइंट फैमिली है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं कोई ज़्यादा काम कर लेता है तो कोई कम ऐसी कोई गीला सिखवा करने वाली और अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं अगर आप सबको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट अपना ख्याल रखिए अब तो शादी की तैयारी हो रही है तो सभी आ चुके हैं और जो मेरे देवर देवरानी आए हैं आए थे देवर देवरानी आए थे वो शादी में आए थे यहीं पे अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं इतने दिन की छुट्टी पॉसिबल नहीं है तो वो शादी के नज़दीक ही आएँगे और जेठानी के बारे में आप कमेंट करते रहते हो तो वो भी आ चुकी हैं अब आपको उनकी टेंशन नहीं होगी एक दो फ्रेंड है जो ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं जेठाने के बारे में रोज कमेंट करते हैं तो उनको भी इतनी टेंशन लेने की कोई वो नहीं है अब वो आ चुकी हैं तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए और ना ही कुछ गलत सोचिए गलत आइडिया मत लगाइए ऐसा गलत आइडिया लगाते हो तो फिर मुझे बहुत ही वो होता है कि मैं आप सबसे कुछ नहीं छिपाती सब कुछ सच सच और मेरी वीडियो में सब रियली होता है कुछ भी दिखावा नहीं होता वो आप सब समझ चुके चुके होंगे मैं अब से नहीं यूट्यूब पर दो साल हो गए हैं मुझे दिखावा कुछ नहीं करती हूँ ना ही कुछ झूठ दिखाती हूँ जो भी कुछ है वीडियो में रे रियली है एक दो फ्रेंड्स हैं ऐसे जो निगेटिव कमेंट कर देते हैं बाकी मेरी फैमिली और मेरी मेरे सपोर्ट करने वाले बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं बहुत ही अच्छी फैमिली बन चुकी है यूट्यूब पर मेरी तो मैं इन्हें खोना नहीं चाहती और इनके सवाल के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई नहीं हो पाते मुझसे पर कमेंट मैं कई बार पढ़ती हूँ दिन में ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं पढ़ती हूँ रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ बस टाइम नहीं मिल पाता टाइम की कमी है थोड़ी देखती हूँ करूँगी ऐसा नहीं है नहीं करूँगी तो चलिए भी चलते हैं मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट